हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है मुझे जानते होंगे, इसमें वसी आसिफ। वेलकम बैक टू यू वसी आसिफ चैनल। तो शुरुआत करते हैं आज अपने मैच शो की शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग नाउ। तो लास्ट मोमेंट और इतनी उम्मीदें थी, कुछ ही पर्सन 100 में से भी 5% लोगों को चांस था पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में। तो बताते हुआ क्या, दोनों आमने सामने खिलाड़ियों की टीम, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ इंग्लैंड। क्रिकेट का जहाँ से नाम ही स्टार्ट हुआ, नाम ही रोन रखा तरफ आई, तो हुआ ये टॉस होने लगा। तो इंग्लैंड टॉस विन कर चुका था, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो पाकिस्तान को करना चाहिए था। हुआ ये इंग्लैंड ने टॉस विन किया, उन्होंने बैटिंग बैट बॉलिंग ले लेता ना तो भी हमारे लिए अच्छा होता भाई। इस बार तो मैं तो हैरान हूँ, इस बार इनका फॉर्म चल गया और टीमों से नहीं चला। सबने हराया इनको, अफगानिस्तान ने हराया, सबने हराया, इनका फॉर्म आ गया। कैसे आ गया भाई? आज तो बड़ा ही आउटस्टैंडिंग हुआ है, आप लोग को क्या बताएं हम। इनका मलंग भी चलने लग गया। हमारे आफरीदी ने 3-4 गलती की, शाहीन शाह कैच को, वरना इतना इनका नहीं होता स्कोर। तो बताते हैं हुआ क्या, इनका हर कोई चलने लगा, रूट क्या, बटन क्या, हर कोई चलने लगा भाई। एक ने तो हमारे इफ्तिकार अहमद ने विकेट ली, और एक रूट रूट भी इस बार 60 पर चले गए, जो 5-6 मुश्किल से 20 होते थे, वो भी बड़ी मुश्किल से आउट हुआ हारिस रऊफ के नाम से। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, इस वर्ल्ड कप में हारिस रऊफ का रिकॉर्ड हो गया, 536 रन खा चुका है अभी तक। ये भी रिकॉर्ड रहेगा। फिर रूट हुआ शाहीन शाह, वसीम जूनियर भी इस बार, उनकी बॉलिंग में काफ़ी चेंजिंग आई है। इस बार वसीम जूनियर भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, वसीम जूनियर ने भी काफ़ी अच्छा खेला, विकेट ली। फिर हारिस रऊफ ने 3 विकेट ली, शाहीन शाह ने तो 1 विकेट, वसीम फिर 2 विकेट एक साथ ली वसीम जूनियर ने भाई। हैट्रिक चांस था, लेकिन लास्ट विकेट पे ले नहीं पाए, सिंगल हो गया, हैट्रिक चांस मिस हो गया। बड़ा अफसोस हुआ वो चांस देख के, बड़ा याद। लेकिन इस बार कोशिश बहुत अच्छी की। फिर इसी के साथ ये टारगेट पहुंचा 337, वो ये नेट है जिनके 150 भी बड़ी मुश्किल से होते थे। छोटी छोटी टीमों ने इन्हें हराया और हमारी बारी में कुछ हुआ नहीं। एक तो इन लोगों ने बहुत गलत किया, ये जो पीसीटी वालों ने बहुत ही गलत किया। ये किया, अगर 50 रन होंगे 2 ओवर में बनाने होंगे, 100 होंगे तो 150 होंगे तो 3 ओवर 5 बॉल है भाई। अगर 300 हुए ना 6 ओवर में बनाने होंगे, और यही 300 होते समय 6 ओवर 4 बॉलों में कोई बना सकता है? आज तक किसी टीम ने ऐसा किया? ये सीधी सीधी साजिश की हमारे साथ। पाकिस्तान को ये लोग सेमीफाइनल में लाना ही नहीं चाह रहे थे। फिर आइए हम बताते हैं
हमारी बैटिंग स्टार्टिंग, अब्दुल्ला शफीक ओपनर और फकर समान हमारे फौकी ओपनर आए। मुझे तो हैरत हो रही है, बॉल पता नहीं अब्दुल्ला शफीक ने पहली बॉल टुकी, फिर दूसरी बॉल पे लेग स्टम्प आउट हो गया। फिर बाबर आजम ने भी इस बार अच्छा फॉर्म किया, फकर जमान तो सिंगल लिया, फिर बाबर आजम ने ये जबरदस्त दो चौके मारे, फिर फकर जमान को टुक करे जा रहे फकर जमान, डायरेक्ट इजी कैच दे दिया भाई, वो प्रेशर हो प्रेशर में आ गए थे, कोई कैसे कर सकता, इसमें फकर जमान की भी विकेट हो गई। फिर रिजवान आए, बाबर आजम ने 38 पे विकेट गई, रिजवान की भी 36 पे गई थी विकेट। जिससे हमें उम्मीद थी इफ्तिकार अहमद, वो 3 रन पर आउट हो गए। भाई क्या हो गया हमारे पाकिस्तान, कम से कम जीतना तो चाहिए था चैंपियनशिप से, तो इनको आउट करते इंग्लैंड को मजा आता, बदला लेते हम, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर सलमान एक ही थे हमारे, सलमान और यादव, उसी ने 51 पर वो भी कैच हो गए, शायद आप खान 4 रन पे आउट करके। फिर कौन रहा, जो हमारे बैट्समैन नहीं कर पाए वो हमारे बॉलर ने, शाहिन शाह ने भी छक्के मारे 25 पे, वो उसकी भी विकेट हो गई। फिर रऊफ आए, वसीम जूनियर, दोनों की क्या पार्टनरशिप है, रऊफ ये एक छक्का चौका, लगातार 2 छक्के मारे, इतने ऊंचे ऊंचे छक्के मारे, वसीम जूनियर ने 2 छक्के मारे, रऊफ 38 रन, 185 पे सारे बैट्समैन आउट हो गए थे, बॉलर ने कहाँ से, बल्कि 158 पे बैट्समैन बॉलरों ने कहाँ से कहाँ पहुंचाया। फिर रऊफ एंड मैं आउट ओवर 38 पर विकेट गई, 244 पर ले गए थे, 93 रन से हार गए, अफसोस हुआ बहुत ही ज्यादा, लेकिन इंग्लैंड इस बार जीत गई, चैंपियन ट्रॉफी में आ गई, कोई नहीं वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, इसमें भी हमारी कोई गलती है वो भी हम आपको बताते हैं। हमारे पास ना सर सर बॉलरों की कमी है, बॉलर नहीं है, एक्सपीरियंस बॉलर हो जो फील्डर भी हो बैट्समैन भी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम 28 में कोशिश करेंगे बॉलर को ऐसे एक्सपीरियंस बॉलर को लेके जाएंगे और आउट करें। खैर कुछ हो नहीं सकता, भारत बड़ा अफसोस हुआ, इतने सालों बाद मैच आता है पाकिस्तान आउट हो गया वर्ल्ड कप से, खैर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम और कोशिश करेंगे बेटर करेंगे। दुख होता है इतने सालों बाद आता है मैच फिर भी नहीं हो सकता। इंडिया में भाई अब क्या बोले, कुछ बोलेंगे तो उल्टा ही हो जाएगा, कहीं वीडियो पे कुछ आ जाए रिपोर्ट वगैरह, इसलिए कुछ बोलना नहीं चाह रहा। और आप लोग मुझे ऐसी सपोर्ट करें, प्यार करें, मैं आपको ऐसी इंटरटेन करता रहूँगा, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाऊँगा, और आप लोग मुझे उम्मीद है खुश होंगे देख के। तो हमारा शो यहीं तक था, मिनी शो, और आप हमारा वॉच स्किप बिल्कुल भी नहीं करें, वीडियो वॉच पूरा करें, और लाइक शेयर कमेंट शेयर की लाइन लगाते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलें, जिसने नहीं दबाया वो लाज नहीं दबाए, जिसने दबा चुका है वो ऑल पर क्लिक करें, ताकि जब भी
हमारी वीडियो अपलोड सबसे पहले सिर्फ आपके पास है और किसी के पास नहीं। तो इसी के साथ हमारा मिनी शो यहीं तक था। तो मिलते हैं नेक्स्ट मिनी व्लॉग नेक्स्ट मिनी शो में। अल्लाह हाफिज़।